माध्यक दे दिया या माधिका दे दिया, तो दोनों बात बराबर है। विद्यार्थी क्वेश्चन में करें बहुलक क्या है, तो देखिए यहां पर तीन ज्यादा बार आया है, तो जो पांच में ज्यादा बार पूरी खाने के लिए बढ़ जाए वही हो गया आपका बहुलक। एक्स को उधर भेजिए, प्लस में हो गया 90 और माइनस 64, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, एक 6 सेंटीमीटर का व्यास वाला यहां अंदर से काट दिया जाता है, इसको काट के निकाल लिया जाता है। तो जब हम काट हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं 51 क्वेश्चन, और ये सेट नंबर एक का ही है मॉडल पेपर का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है, ठीक है 2:3 दिया है, तो क्या करेंगे हम उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है ना, तो क्षेत्रफल का जब अनुपात निकालना है तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो अनुपात है तो पाई पाई तो खत्म हो जाएगा, मान लीजिए पाई आर वन स्क्वायर बटा पाई आर टू स्क्वायर कर दिए, तो यहां पर क्या है आर वन का मतलब पहला त्रिज्या, आर टू का मतलब दूसरा त्रिज्या, ठीक है पाई पाई तो कट जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है तो यहां हो जाएगा 4:9, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन, यदि वृत्त की परिधि इतना है, देखिए दिया है 2πr = 8π, यहां पर दिया है 2πr = 8π, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है तो पाई से पाई गया, आर बराबर 4 हो जाएगा, 2 × 4 = 8, ठीक है अच्छा 4 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो पाई गुना 16, ठीक है यानी कि 16π हो जाएगा, तो आपका 16π किसमें है, बी में है, तो बी हम सही कर देंगे। हम बोर्ड पर इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को आसानी हो जाएगा कि रफ कार्य हम परीक्षा में कैसे करें, ठीक है रफ कार्य आपको मैथ के लिए करना पड़ेगा तो कॉपी के पीछे कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक घड़ी के मिनट वाली सुई 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कौन, देखिए 35 मिनट पूरा करने में तो ये बिल्कुल ये 210 डिग्री हो जाएगा, ये 210 डिग्री कैसे होगा, देखिए एक घड़ी होता है, अब यहां पर आपको पता है कि आधा आधी पर देखिए यहां 12 होता है 6 होता है, तो 35 डिग्री कहां होता है, यहां 7 जहां होता है वहां 35 डिग्री होता है, तो यहां से यहां तक कोण हमको निकालना है, यानी पूरा यहां से पूरा यहां तक, ठीक है तो यहां तक तो 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, ठीक है तो ये जो 5 मिनट का जो कोण होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा वो कैसे होता है कि टोटल कोण कितना होता है 360 और टोटल भाग कितना है तो 12 है, तो 12 से भाग कर दिया 12 × 36, तो एक भाग ये 5 मिनट के लिए 30 डिग्री हुआ, तो यहां 6 भाग है तो 6 भाग 6 × 3 = 18 180 डिग्री हुआ, और एक भाग के लिए 30 डिग्री, तो अगर मान लीजिए 180 में 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री, तो 210 डिग्री डी ऑप्शन में है सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए ये चतुर्थांश होता है तो इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर दिया है शुरू में प्लस में दिया है यानी कि 2 - 5 दिया है, तो कह रहा है किस चतुर्थांश में, तो ये प्रथम होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये क्या होता है चतुर्थ होता है। अच्छा इसमें बात यह है कि ये एक्स है और ये वाई अक्ष है, तो इसमें जब ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है तो सबसे पहले इसमें लिखा गया जाता है, देखिए इधर प्लस प्लस लिखा जाता है, इधर प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, इधर माइनस माइनस, ठीक है आप लोग समझ गए इतना, तो पहले प्लस में दिया है तो ये चतुर्थ में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में ये बिंदु हो जाएगा, क्यों, क्योंकि शुरू में जो लिखा जाता है वो एक्स का मान लिखा जाता है, इसमें जो बिंदु है ये एक्स वाई के रूप में होता है, इसका मतलब कि शुरू वाला एक्स का मान है, बाद वाला वाई का मान है, ठीक है तो इसमें प्लस होता है और ये माइनस, ये वाई वाला है, ये वाई डॉस है, तो ये वाई वाला है और ये एक्स वाला है, ठीक है आप लोग समझ गए होंगे, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन डी है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर कह रहे वाई अक्ष से बिंदु 3-7 की दूरी है, देखिए चलिए यहां पर बता देते हैं, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो 7-3 है, तो शुरू में 7 है बाद में 3 है, तो मान लीजिए यहां पर बिंदु है, ठीक है तो यहां पर 7 है और ये थे 3, तो 7 किस चीज का मिला है, एक्स का मिला है और वाई का क्या 3 है, तो अब कह रहा है वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से ये दूरी कितना है, ये बिंदु की दूरी कितना है, तो अब देखिए यहां से यहां तक 7 है तो वाई अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसमें 7 क्या है बी ऑप्शन में है। कुछ विद्यार्थी लिखता है वाई अक्ष से दूरी तो वो वाई अक्ष वाला मान को लिख देते हैं ऐसे ही, मतलब कि 3 लिख देंगे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में 3 है, तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, अगर दूरी की बात कहेगा वाई अक्ष से बिंदु की दूरी तो उसमें जो एक्स वाला मान होगा वो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 7-3 है तो वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो दूरी कितना हो जाएगा
सात अगर यही एक्स अक्ष से दूरी कहता, अगर मान लीजिए एक्स अक्ष से ये दूरी कहता तो कितना हो जाता, तीन हो जाता, ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो वाई वाला मान लिखना है, और वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो एक्स वाला मान लिखना है, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए, मूल बिंदु से माइनस पांच पांच की दूरी, एक बात ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु से जब दूरी कहेगा ना तो आपको कुछ करना नहीं है, जो दिया है ना मूल बिंदु क्या होता है, जीरो जीरो होता है, और एक दिया है माइनस पांच और पांच, अगर दूरी कहेगा ना मूल बिंदु से, इससे दूरी उसका कहेगा, तो आपको रूट अंडर करके इस दोनों का स्क्वायर कर देना है, तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा और इसका 25 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो माइनस होने प्लस होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 50। तो जब इसको गुणनखंड कीजिएगा तो 5² × 2 होगा, 5² × 2 हो जाएगा, क्योंकि 25 × 25 = 50, यानी 5 के बदला में एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा और अंदर फंस गया रूट 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ये बी ऑप्शन में है, ठीक है। 56, चलिए आगे देखिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा, फटाफट देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम रफ कार्ज में क्या करेंगे, बिंदु को लिख देंगे, देखिए सावधानी से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं, देखिए दोनों बिंदु हो गया, आपको अगर बीच की दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से घटा देंगे, मान लीजिए कोई भी आगे पीछे कोई मतलब नहीं, ठीक है। दो में से चार घटेगा माइनस दो होगा, माइनस दो का हिसाब करेंगे तो चार होगा, फिर इसमें घटाएंगे तो दो होगा, इसका भी चार हो जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह हो गया 25 25, तो 25 + 25 था तो आया 5√2, तो यहां पर 4 + 4 है तो आएगा 2√2, ठीक है। इसमें कोई घबराने की जरूरत, क्योंकि रूट अंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2 कितना है, बी में है। चलिए चलिए देखिए, यहां पर 58 क्वेश्चन दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा गुना टेन, यहां पर टेन स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, यहां पर टेन नहीं होगा, क्या होगा, टेन होगा, यहां पर गलती से टेन लिख दिया है, कोई टेन बोला होगा तो टेन लिख दिया, ठीक है, बोलने वाला कोई और होगा, लिखने वाला कोई और होगा, तो टेन स्क्वायर बोला होगा तो टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहां टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हम उल्टा सीधा पहले सोच लेते हैं। देखिए मान लीजिए इसका उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो 1/sin² θ हो जाएगा, और यहां पर क्या है, गुना है, प्लस नहीं है, गुना है, तो क्या हो जाएगा, अब इसका क्या होता है, एक सूत्र होता है आपको याद होगा, sin² θ / cos² θ हो जाएगा, और यह है cos² θ। अब यहां पर देखिए साइन से साइन गया और कॉस से कॉस, बराबर में क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए में है, 58 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 59, ध्यान से देखते रहिएगा, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्ध गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोनों का त्रिज्या बराबर है, यानी कि गोला का होता है 4 π r², ठीक है, और अर्ध गोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 π r², कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अर्ध गोला का 3 π r² होता है, ठीक है, कुल कह दिया तो 3 π r², क्योंकि इसका भी होता है 2 π r², और ये जो वृत्ताकार है इसका भी तो होगा π r², और दोनों जोड़ेंगे तो 3 π r², इस प्रकार से। अच्छा त्रिज्या बराबर है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4:3, 4:3 डी ऑप्शन में है। अगर आपके पास किताब नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका क्वेश्चन हम स्क्रीन पर दिखाएं, और नहीं तो अगर पूरा हम तो क्वेश्चन बोल ही रहे हैं, आप लोग सुनकर भी समझ सकते हैं, ठीक है। और जो छोटा छोटा क्वेश्चन हम उसको लिखकर समझा देते हैं जो कन्फ्यूजन होने वाला है। चलिए 60वां क्वेश्चन, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई तक जाए, देखिए यदि कोई बिंदु है, कह रहा है कि ए है बिंदु वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई पर एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो यहां है क्या है, वाई अक्ष है, ए से यहां से दाईं ओर 5 इकाई तक जा रहा है, मान लीजिए यहां 5 है, यहां तक जा रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित है, बिल्कुल एक्स अक्ष पर ही स्थित है, तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक पहले एक्स का लिखेंगे तो एक्स का क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा, और ये फिर वाई का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो 5 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपको बताए थे, देखिए यहां पर 61 हो गया, करा 1/2 1/3 1/6 +...9 पदों तक का जोग निकालना है। देखिए जोग निकालना है, क्या करना है, देखिए 1/2 है, 1/3 है, बीच में प्लस प्लस है, 1/6 है, और ये 9 पदों तक निकालना है, तो एन बराबर आपका देखिए ए बराबर हो गया 1/2, ठीक है, डी बराबर इसमें से घटा देंगे 1/3 - 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीन दूनी छः दो हो जाएगा, और यहां पर द्वितीय छः तीन हो जाएगा, यानी माइनस एक बटा छः हो जाएगा। डी हो गया उतना। अब एन बराबर है नौ और निकालना है जोग, तो देखिए एन बटा टू होता है तो नौ बटा दो हो जाएगा। सूत्र आप लोगों को पता होगा, एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन है नौ और बटा में टू हो गया, टू ए का मान है एक बटा दो प्लस नौ माइनस वन, और डी का मान है गुना माइनस एक बटा छ। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे बढ़ाइए, नौ बटा दो हो गया, दो दो यहां पर कट गया तो वन, और यहां पर आठ हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी आठ गुना हो गया एक बटा छ, माइनस प्लस माइनस हो गया यहां पर। ठीक है, ये हो गया दो चौके आठ दो तीन छ हो गया। तो नौ बटा दो जब हम इसको माइनस करेंगे, घटाव बनाएंगे बटा पर का, तो तीन हो जाएगा यहां पर, तो कितना हो जाएगा माइनस एक बटा तीन होगा, और यहां पर कट जाएगा तितिरी के नौ, यानी कि माइनस तीन बटा दो हो जाएगा। माइनस तीन बटा दो किसमें है, ए में है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, कॉस स्क्वायर ए कह रहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। देखिए कॉस स्क्वायर ए और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आपका सेक स्क्वायर ए होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। आप लोगों को फॉर्मूला बहुत जरूरी याद करना जरूरी है। अब यहां पर देखिए इसका उल्टा करेंगे तो वन बटा सेक स्क्वायर ए होगा, या इसका उल्टा करेंगे तो वन बटा कॉस स्क्वायर ए होगा। अब यहां पर सेक स्क्वायर ए हो गया, ठीक है, ये दोनों कट किया तो क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा एक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, देखिए तिरसठ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिरसठ ध्यान दीजिएगा। यदि दो यदि बिंदुओं ए, देखिए बिंदु दिया है छ पांच और एक बिंदु दिया है बी फोर और वाई, कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु एक्स छ है। देखिए मध्य बिंदु क्या है, एक्स छ है, तो हमें इसमें क्या करना है, y का मान निकालना है, तो y वाला हम कर देंगे, देखिए y वाला बराबर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो देखिए ये y का मान है और ये y का मान है। ठीक है, और इसमें ये y है, तो क्या होता है आप लोगों को पता होगा, y1 plus y2 बटा 2, अब बराबर में क्या होता है, बराबर में क्या होगा, इसका निर्देशांक इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक यही है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो y1 बराबर 5 है, 5 प्लस y2 है y, अब बटा में 2 है, इसको तिरिया गुना करके उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 12, अब 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि y का मान 7 हो जाएगा, डी ऑप्शन में है सही हो जाएगा। चलिए 64 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना है तो केंद्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, अब बटा थ्री होता है, और फिर होता है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, अब बटा थ्री, और इस पर आप लोग बना लीजिएगा। देखिए एक्स वन का मान कितना है, देखिए अपन चलिए बता देते हैं, चार प्लस जीरो प्लस पाँच, अब बटा तीन है, और यहाँ पर है छः प्लस चार प्लस पाँच, अब बटा तीन है, इसको जोड़ देंगे तो नौ होगा, नौ से तीन से भाग लगाएंगे तो हो जाए तितिरी के नौ, तीन हो गया, इसको करेंगे तो नौ छः पंद्रह, तीन पचे पंद्रह, यानी कि पाँच हो जाएगा, तीन पाँच देखिए कोना में है, तीन पाँच है बी में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पैंसठ देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों क्षेत्रफल तथा पहले घन वाले घन के कुल पृष्ठ का अनुपात क्या है। देखिए घन का किनारा दुगना कर दीजिए, मान लीजिए कि घन का किनारा पहले से एक्स था और दुगना करने पर टू एक्स हो गया। ठीक है, तो नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सिक्स ए स्क्वायर होता है, तो मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको टू ए मान लीजिए। ठीक है, तो सिक्स ए स्क्वायर होता है, तो नए घन का, तो नए घन का क्या हो जाएगा, सिक्स टू ए का स्क्वायर हो जाएगा, अब बाटा में पुराने घन का, तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, चार चार खत्म, अब यहाँ पर फोर ए स्क्वायर हो जाएगा बटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, यानी चार अनुपात एक, बटा में एक है तो चार अनुपात एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं, कोई भी डाउट होगा तो जरूर बोलिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 66, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए ए जीरो है, ठीक है, ये कौन क्वेश्चन नंबर है 66, ए जीरो है और यहाँ पर जीरो जीरो है और एक है जीरो बी है, तो ट्रिक समझ लीजिए,
इसमें एक बिंदु को जीरो करना होता है। अगर मान लीजिए जीरो है ये तो बहुत बढ़िया है। मान लीजिए देखिए ये दोनों बिंदु क्या है, जीरो, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि इसका बाहरी बाहरी गुना कर दीजिए और अंदर अंदर गुना कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो बाहरी बाहरी गुना करेंगे तो ए भी होगा, अंदर अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो के जीरो हो जाएगा। अच्छा बाटा में टू कर देना है, बस यही हो गया, ए बी बाटा टू। अब इसमें ऑप्शन देखिए किसमें है, ए बी बाटा टू किसी में दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है, एक क्या हो जाए इसको एक बटा टू ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बटा टू ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको गुना करेंगे एक से तो ए बी बटा टू ही आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर हो गया बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, यहां पर सड़सठ को चांद करेगा, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप है तथा ए बी बराबर 1.2 है, डी ई बराबर 1.4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये आप लोगों को पता होगा। यानी कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ, यहां पर क्या है डी ई एफ ही है, ठीक है, बराबर क्या होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर संगत भुजा क्या है 1.2 है, इसका वर्ग बटा 1.4 का वर्ग, तो चलिए क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो 1.44 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.96, क्योंकि 14 196 होता है। तो अब यहां पर दशमलव उड़ा दीजिए, तो उड़ा दीजिए, मान लीजिए उसको उड़ाकर बाटा में 100 लिखेंगे, इसको उड़ाकर ऊपर बाटा में 100, तो दोनों बात बराबर हो जाएगा तो भी कट जाएगा। यहां पर कटाकर देखते हैं, सरल कर देते हैं, तो 4 से कटेंगे 4 3 12 4 9 4 3 12 4 6 24, और यहां पर हो गया 4 4 का 16 16 3 19, 4 9 36, यानी कि 36:49 हो जाएगा, 36:49 सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे और सॉर्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 12 है, तो डी ई बराबर क्या है। देखिए पहले हम ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी, ए बी सी और क्या है डी ई एफ है, इसका परिमाप दिया है 30, ठीक है, जब समरूप है तो इसके इसका जो परिमाप है उसका भी अनुपात बराबर होगा, समानुपात होगा, ठीक है, समान अनुपात में होगा, तो 30 बटा क्या हो जाएगा 20, ठीक है बराबर। अब यहां पर कह रहे ए बी 12 है, ए बी दिया है, फिर कह रहे डी ई, तो डी ई बहुत सिंपल हो गया, अगर मान लीजिए इसमें ए बी कहता और इसमें ई बी एफ कहता तो हो जाता गड़बड़, ई एफ निकालने के लिए कहता तो और भी थोड़ा सा समय लगता, क्या हो गया तो अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या है ए बी दिया है, तो ए बी कितना दिया है 12, और अच्छा ये परिमाप है तो इसको हम वर्ग नहीं करेंगे, इसके भुजा को वर्ग नहीं करेंगे, अगर क्षेत्रफल होता है तो इसको वर्ग करते, क्षेत्रफल रहेगा तो इसको वर्ग करेंगे, परिमाप है तो वर्ग नहीं करेंगे, तो हमको यहां डी ई निकालना है, तो यहां पर देखिए यहीं पे निकल गया 0 0 खत्म, त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा डी ई गुना 3 और बराबर में 12 2 24, ठीक है 3 8 24, यानी कि डी ई बराबर 8 हो गया, बी ऑप्शन में है। चलिए देखिए 69 क्वेश्चन, तो पी से किसी वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी क्यू 6 है तो पी आर कितना होगा। अब देखिए ये वृत्त है और वृत्त पर एक है और ये दो है स्पर्श रेखा, क्या क्या है बाह्य बिंदु पी से, क्या है पी क्यू और पी आर, जब पी क्यू है 6 तो पी आर कितना होगा, ये भी तो 6 होगा, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है बराबर होता है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो 6 देख लेंगे किस में है, तो सी में है। चलिए देखिए यहां पर 70 क्वेश्चन, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, ये तो आप लोग बहुत सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 और यहां पर व्यास दिया है तो क्या करेंगे त्रिज्या लिख देंगे आर स्क्वायर, 7 7 खत्म, 22 7 54 से 154 देख लीजिए सी में है। चलिए आगे बढ़िए, किसी वृत्त का व्यास इतना है तो वृत्त की परिधि, तो परिधि होता है 2πr, व्यास दिया है तो हम पाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है पाई डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर 22/7 हो जाएगा और व्यास डायरेक्ट लिख दीजिए 14, तो 7 2 14 22 2 44 44 सी में है, सी हो गया। 71 का क्या हो जाएगा सी, यहां पर 71 लिख देते हैं सी। चलिए आगे देखिए, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का जोग 29 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा, इस दोनों का जोग दिया है, वृत्त के परिधि और व्यास का जोग, तो यहां पर देखिए कौन है 72 है,
वृत्त की परिधि अभ्यास का जोग, यानी कि 2πr + d बराबर दिया है 29। कह रहा है कि वृत्त का व्यास होगा, अब वृत्त का व्यास कितना होगा, अब यहां पर देखिए यहां पर पाई हो गया और 2r क्या हो गया, डी हो गया, डी डी तो डी कॉमन हो गया, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है, तो यहां पर डी हो गया, तो पाई प्लस क्या हो जाएगा 1। ओ डी कॉमन हुआ, हाँ ठीक है ठीक है, पाई प्लस क्या हो जाएगा 1, अब बराबर में 29 है, ठीक है हमें डी निकालना है, तो यहाँ 22/7 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 29, तो यहाँ पर डी यहाँ हम निकाल देंगे क्या, बटा बटा जोड़ते हैं, 22/7 क्या हो जाएगा 19, 22/7 29 हो जाएगा, सॉरी 7 हो गया, ठीक है, और बराबर क्या हो गया 29, तो डी बराबर हो जाएगा 29 × 7 और बटा में 29 गया, तो डी बराबर 7, ब्याज निकालना है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन 72 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और 73 क्वेश्चन, आपके पास किताब होगा और आंसर आप लोग देख सकते हैं खुद के किस ऑप्शन में होगा, ठीक है। चलिए यहां पर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्र, देखिए 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, एक 6 सेंटीमीटर का व्यास वाला यहां अंदर से काट दिया जाता है, इसको काट कर निकाल लिया जाता है, तो जब हम काट कर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ये है पूरा कितना है, ये है 8 और ये है 3, क्योंकि यहां पर 6 सेंटीमीटर व्यास वाला काटना है, ये त्रिज्या वाला दिया है, तो त्रिज्या तो यहां पर व्यास से त्रिज्या का ध्यान दीजिएगा, यहां पर 6 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है, त्रिज्या नहीं कह रहा है, तो कह रहा है कि बचे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें तो क्या करना है, बड़का में से छोटका को घटा देना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहां पर कॉमन हो गया, तो हो गया बड़की आर, यानी कि 8 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है 3 स्क्वायर को 9 लिख देते हैं, 8 स्क्वायर को 64 लिख देते हैं, तो यहां पर देखिए 22/7, अच्छा यहां पर देखिए पाई का मान इसमें लिखना भी नहीं है, देखिए इसको घटा देंगे हम, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि 55 पाई, ठीक है 55 पाई है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 74, ध्यान से देखते रहिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया है 4√3, तो √3 से √3 खत्म, ठीक है, तो यहां त्रिज्या गुणा करेंगे तो a² = 16 होगा, a² = कितना हो जाएगा 16, तो a हो गया 4, अब यहां पर देखिए 4 है, a = 4 दिया है सी ऑप्शन में, ए भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहिएगा, यदि 3a cos a − 10 डिग्री, देखिए सॉरी यहां पर sin 3a है, sin 3a = cos a − 10 डिग्री, देखिए ऐसा क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 3a न्यून कोण है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में सब्जेक्टिव में भी आते हैं, 2 अंक में भी आ जाते हैं, देखिए तो आपको क्या करना है 90 − θ वाला सूत्र लगा देना है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा cos 90 − 3a हो जाएगा, अब बराबर में यहां पर cos क्या है a − 10, तो आपको cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा, मान के चलिए समान समान यहां पर दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे काटना नहीं चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो 10 को इधर ले लेते हैं, तो +10 होगा और ये उधर हो गया, ठीक है। चलिए इसको ऐसे समझा देते हैं आपको, 90 − 3a अब बराबर यहां पर है, तो क्या हो जाएगा a − 10, अब इसको उधर किए, तो जब इसको उधर करेंगे तो a है इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3a होगा, और 10 को इधर लाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4a है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 4a, 4 से कट जाएगा 25 × 4 = 100, तो a = कितना हो जाएगा 25 डिग्री, यानी कोण a हो जाएगा 25 डिग्री, 25 डिग्री किसमें है, b में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 75 का बी। चलिए यहां पर 76 देखिए, त्रिभुज एबीसी में ac² + ab² + bc², तो कोण बी का मान, तो ac² पाइथागोरस पर में है, तो कोण बी कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ए ऑप्शन में है, तो 76 का क्या हो जाएगा ए ऑप्शन में क्या है 90 डिग्री आराम से हो जाएगा। यहां पर 77 देखिए, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो देखिए एक वृत्त है और किसी बिंदु से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी कितना है 25 है, तो ये त्रिज्या निकालना हमको, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, देखिए
तो हमने बोला था कि बाहरी वृत्त से, एक वीडियो में हमने बताया था, अगर आप लोग पता नहीं है तो फिर से बता रहे हैं, बाहरी किसी वृत्त से केंद्र के, बाहरी किसी बिंदु से केंद्र के दूरी जो होता है वो कोण होता है, और स्पर्श रेखा को लंब मानिए चाहे आधार मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय पे हो जाएगा 25 25 625 और 24 24 576, इसको ऐसे करके घटा देंगे तो कितना होगा, यहां पर हो जाएगा आपका 9 और यहां पर हो जाएगा 4, और 49 का वर्गमूल कर देना है, तो 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 7, 7 है ए ऑप्शन में है, 77 के 7, यानी कि ए ऑप्शन आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए देखिए 78, एक सीके को उछाला जाता है चीता नहीं पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 किसमें है, बी में है। अगर मान लीजिए कि इसी में आ गया पॉट आने की पड़ेगा, एक सिक्का है तो उछालेगा तो उसमें कुल घटना क्या होगा, 2 होगा, तो चीत आने की पड़ेगा कहेगा 1/2, पॉट आने की पड़ेगा 1/2, क्लियर। यहां पर 79 क्वेश्चन देखते हैं, करे किसी परीक्षा में सोम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो सोम्या के फेल होने की प्रायिकता, देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे कि प्रायिकता होने की प्रायिकता है और नहीं होने की प्रायिकता, क्या करते हैं उसको जो कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि होने की प्रायिकता दिया है, पास होने की प्रायिकता, पास फेल समझ रहे ना, तो कह रहा है कि फेल होने की प्रायिकता क्या होगा, तो कुछ करना नहीं आपको, एक में से जो पास है उसको घटा देना है, तो फेल होने की प्रायिकता हो जाएगा, तो पास कितना है 4/5 है, तो इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 4/5 यानी 1/5 हो जाएगा, फेल होने की प्रायिकता क्या है, 1/5 है, बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो चलिए आगे हम और देखते हैं, यहां पर 80 क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है ये, अब आप देख सकते हैं 2 cos 6° है, तो यहां पर हम जो कहते हैं इसको लिख देंगे, ठीक है। अब बाटा में है साइन 23° बराबर में, यहां पर देखिए टैन 40° बाटा कॉस कॉट 50° है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आप लोग को पता है, और इसका भी मान 1 होगा, कॉस 0° का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब ये साइन 23° जब उधर जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखकर बता देते हैं आपको, बाटा में साइन 23° है, जब साइन 23° उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो साइन 23° हो जाएगा, तो जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 2 cos 6° तो cos 6° बराबर क्या हो जाएगा, 0/2, 2 इधर आएगा तो बाटा में आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि cos 6° बराबर यहां पर 0 हो रहा है, और कोई भी अगर मान लीजिए यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 0 है, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0° हो जाएगा, यानी कि इसका मान 0° हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, डी ऑप्शन। चलिए 81 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 81 नंबर में कह रहा है कि 2 5 8 3 8 का माध्यक निकाले, तो देखिए माध्यक में क्या करते हैं, पहले हम आरोही क्रम में कर लेते हैं, तो पहले है 2 कम से कम 3 फिर 8 5 फिर 8 फिर 8 है, और फिर इधर से देख लेते हैं 2 इधर से 2, बीच में क्या बचा 5, तो 5 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका या माध्यक, अगर मान लीजिए कि आपको माध्यक दे दिया या माध्यिका दे दिया तो दोनों बात बराबर है। 82 क्वेश्चन नंबर करें बहुलक क्या है, तो देखिए यहां पर 3 ज्यादा बार आया है, तो जो 5 में ज्यादा बार पूरी खाने के लिए बढ़ जाए वही हो गया आपका बहुलक, यानी कि ए ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, जो ज्यादा बार अधिकतम बारंबारता होता है बहुलक, ठीक है। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में क्या करना है, जो वर्ग अंतराल उसको जोड़ देना है, जैसे मान लीजिए कि 10 से 20 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बाटा में 2 घटेगा कटेगा तो क्या होगा, 15 ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 84 नंबर, वर्ग अंतराल 5 10 10 15 15 20 के कह रहा है वर्गों की लंबाई, वर्गों की लंबाई का मतलब क्या होता है, वर्ग माप उसको बोलते हैं, जैसे कह रहा है कि 5 से 10 10 से 15 इसका वर्ग माप क्या है, तो वर्ग माप क्या है, तो हम अगला में से पिछला को घटा देते हैं, तो जब 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, यहां पर देखिए 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। आगे मान लीजिए 20 में से 15 घटाएंगे क्या बचेगा, 5, तो वर्ग की लंबाई है यही, ठीक है, तो 5 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए यहां पर 85 नंबर देखिए, करे इतना के बराबर होगा, तो देखिए क्या दिया है, सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है, इंटू दिया है 1 - sin A, कह रहे कितना के बराबर होगा, तो इसको हम बाटा बाटा जोड़ बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 होगा cos, 1/cos A होगा, sec का उल्टा cos, और ये हो जाएगा आपका sin A / cos A, sin A / क्या होगा, cos A होगा, ठीक है, और इसको हम लिखते जाएंगे। अब देखिए बाटा बाटा जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा 1 + sin A, अब बाटा में हो गया cos A,
ठीक है, कौन से हो गया एलसीएम। तो यहां पर देखिए 1 माइनस साइन ए है, तो जब हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बाटा में क्या है कॉस, ठीक है। तो देखिए इसका जो होता है सूत्र कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बाटा में कॉस है कॉस ए, तो कॉस एक से एक कॉस अब खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। तो कॉस ए है ऑप्शन में, कौन क्वेश्चन नंबर था 85, तो 85 का ए है, तो क्या हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 86 नंबर में कह रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, कह रहा है पांच संख्याओं का माध्य 18 है, तो देखिए पांच संख्याओं का माध्य 18 है तो जोग कितना होगा, पांच संख्याओं का जोग कितना हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा, 18 गुना क्या हो जाएगा 5, 18 5 90, पांच संख्याओं का जोग हो गया 90, ठीक है, डिग्री नहीं है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, मान लीजिए एक संख्या को हटा दिया जाए तो कह रहा है माध्य 16 है, एक संख्या के हटाने पर माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या क्या होगा, तो मान लीजिए कि हटाई गई संख्या एक से, तो एक संख्या को हमने हटा दिया तो इसमें से हम घटा देंगे एक हो गया, अब बाटा में कितना बचा पांच संख्या, तो कितना हो जाएगा 4, इसका माध्य कितना दे रहा है 16, ठीक है। तो इस प्रकार से हम त्रिक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 90 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेजिए प्लस में हो गया 90 और माइनस 64, अब इसको घटा दीजिए जितना बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 4 घटा 6, 8 में से 6 घटा 2, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो 26 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 87 क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, फटाफट इसको बता देते हैं। बहुलक समानता वह चर मान है जिसकी परम्पारता क्या होती है सबसे अधिक, अभी हमने बताया सर्वाधिक, क्या हो जाएगा सर्वाधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर, निम्न अंकों का बढ़ते क्रम में लिखा गया है तो कह रहे इतना का माध्यिका क्या होगा, तो देखिए पहले हम ये आंकड़ा जो लिखा गया है क्या है 24, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इधर से चार गो ले लीजिए 1, 2, 3, 4 और इधर से चार गो, बीच में दो बचा अब बाटा दो कर दीजिए, तो 34 + 1 अब बाटा दो हो गया माधिका, ठीक है। अब माधिका क्या दिया है 35, तो बराबर में लिख देंगे 35, तो 35 × 70 तो एक से बराबर हो जाएगा 70, अब माइनस कर देना है 34, घटाइएगा तो कितना बचेगा 36 बचेगा, ठीक है 36 × 72 36 बचेगा, चलिए 36, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा 88 के। आगे देखिए 89 कह रहा है साइन स्क्वायर ए बाटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कितना होगा, तो देखिए यहां पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, देखिए बता रहे हैं कैसे होगा, देखिए साइन स्क्वायर ए बाटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 है ना, तो ये क्या होता है टेन स्क्वायर ए होता है और प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए किस में है बी में है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला आपको याद चाहिए, दोबारा याद कर लीजिएगा, इसको पूरा बताया गया है। चलिए देखिए यहां पर 90 क्वेश्चन, समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr + h, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर देखिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है तो घनों की संख्या, 5 सेंटीमीटर घन है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है ना, तो एक है 1 सेंटीमीटर का घन का उसमें कितना घन बनेगा, तो भुजा क्यूब होता है तो 5 × 5 × 5 कीजिए और फिर 1 × 1 × 1 कीजिए एक गुना, तो आराम से क्या हो जाएगा 1 × 1 कीजिएगा तो एक हो जाएगा, तो हो जाएगा 125, तो 125 ऑप्शन नंबर किस में है सी ऑप्शन में है। चलिए यहां पर 92 क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा है, दो बेलनों के त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया है, देखिए वर्गों का अनुपात दिया है, तो मान लीजिए एक त्रिज्या R1 है तो R1 का R1² बराबर दे दिया है 2, R2² बराबर दे दिया 5, ठीक है ऊंचाई दिया है, H1 दे दिया मान लीजिए 5 है और H2 दे दिया 2, तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है आयतनों का अनुपात, आयतन क्या होता है बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है πr²h होता है तो दोनों में पाई होगा, दोनों आयतन का अनुपात कर रहा है तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, तो यानी r²h बन जाएगा, तो r²h तो हमारा सेम टू सेम है तो आराम से 1:1 आ जाएगा, ठीक है क्या होगा r²h, ठीक है r²h / r²h यही ना होगा, तो देखिए R1² कितना है 2 है, H इसका कितना है 5 है, R2² कितना है 5 है
और ए टू कितना है, दो है, तो कट गया, क्या हो गया, एक अनुपात एक आया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जवाब। अच्छा, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, अगर त्रिज्याओं का अनुपात अगर कह देता है, अगर मान लीजिए कह दिया त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, कभी कभी क्वेश्चन में फिर बदल कर देता है, मान लीजिए त्रिज्याओं का अनुपात दे देगा, तो वहां पर आपका R1 R2 दे दिया, ठीक है, R1 square नहीं दिया, यहाँ वर्गों का अनुपात दिया है, लेकिन कभी मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि त्रिज्याओं का अनुपात, तो आपको क्या करना है, तो R1 R square होकर भी करेगा, आर स्क्वायर होगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 × 5, और यहाँ पर आर स्क्वायर होगा तो 5×5 = 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 5×5 = 25 और 2×2 = 4, तो ये हो जाएगा 2:5। अगर मान लीजिए कि त्रिज्याओं का अनुपात देगा तो 2:5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 question देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 93 question हम लिख दिए हैं। टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, और इसका 1/√3 होता है, और बाटा में यहाँ पर लिख दिया 1+√3 × 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, √3 यहाँ पर कट जाएगा, इसको हम बाटा पे के जोड़ जब बनाएंगे, घटाव बनाएंगे, तो 3 − 1/√3 होगा, और बाटा में क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 2, ठीक है, बाटा में कुछ नहीं 1 है, तो हो जाएगा 2/√3 × 1/2, 2×2 = 2, 1/√3। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 1/√3 कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 94 number देखते हैं। कह रहे यदि बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर है। देखिए बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा, आप लोग सूत्र जानते होंगे, ठीक है, तो 4 - क्या हो जाएगा, 1 square, x1 - x2 या x2 - x1 whole square प्लस होता है P - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब बराबर में दूरी क्या दिया है 5, तो P का मान निकालना है, तो इधर से हम रूट हटा देते हैं, देखिए यहाँ घटेगा तो ये 3 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा P square, अब बराबर में जब रूट हटेगा उधर तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा 25, तो P square बराबर 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो क्या बचेगा 16, तो P = +−4 होगा, तो +−4 देखिए ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 95 देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है, 1/3 πr² इंच पर बनाइएगा, इसको बनाकर भी देख सकते हैं आप लोग, 22/7, आर का मान कितना है, 7 है, तो 7×7 हो जाएगा, और इंच दिया हुआ है 15, ठीक है, 7 × 7 गया, 3×5 = 15, देखिए 7×5 = 35, ठीक है, 35×2 = 70, 35×2 = 70, 770 हो जाएगा, 770 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 96 कह रहा है बिंदु इतना के संरेख है, तो कह रहा है कितना होगा, देखिए संरेख बिंदु कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, बहुत ही अजूरा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए देखिए सावधानी से इसको देखिए, यहाँ पर 770 हो जाएगा आपका, तो देखिए 1, 2 है, 0, 0 है, और एक है ए और बी, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक को 0 कर देते हैं, 0 ऑलरेडी है, तो शुरू वाला अंत वाला को गुना करते हैं, बाहरी बाहरी और अंदर अंदर, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए ये नहीं है, और अंदर अंदर देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा बी, और माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2a होगा, अब बाटा में 2 करना है। अच्छा त्रिभुज का ये तो क्षेत्रफल निकल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होता है तो वह बिंदु क्या होता है संरेख, तो हम बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो जब बराबर 0 करेंगे तो b − 2a बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं b बराबर क्या हो जाएगा 2a, तो b = 2a है, तो यहाँ पर देखिए 2a = b है, b = 2a चाहे b = 2a = b, ऑप्शन नंबर यही कौन है सी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 97 number देखिए, देखिए यहाँ पर शीर्ष दिया है त्रिभुज का 5, 0, 8, 0, 8, 4, अब यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाले, अभी हमने आपको बताया कि एक बिंदु को हम 0, 0 कर देंगे, तो मान लीजिए कि इसमें अगर हम 5 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें भी 5 घटाएंगे, इसमें भी 5 घटाएंगे, ठीक है, तो ये बन गया 0, 0, ये खत्म कर दीजिए इसको, ये कितना बचेगा, मान लीजिए इसमें 5 घटा देंगे 8 में से, तो कितना बचेगा आराम से देखिए 3 बचेगा, और मान लीजिए कि ये 0 ऑलरेडी सही है, तो एक ही में घटाना पड़ेगा ना, कोई जरूरी है तो दोनों में घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा,
इसमें जब घटाएंगे तो इसमें भी तीन बचेगा, तीन चार हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, बाहरी बाहरी और अंदर अंदर गुना करके घटा के बाटा दो कर देना है। तो चौथी आइन बारह आ तीन जीरा इन जीरो आ बाटा दो, दो छक बारह बराबर क्या हो जाएगा छः। छः देखिए ए में है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संतानवे के ए हो जाएगा। चलिए अंठानवे नंबर देखिए, पाँच ए रेखा पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए बिंदु दिया है पाँच ए, रेखा क्या है टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर पाँच, इसी पर है। तो ये किसका मान है, x का मान पाँच है, तो हम x के जगह पाँच लिख देंगे तो क्या हो जाएगा पाँच माइनस तीन। यहाँ y का मान क्या है a है, तो हम a लिख देंगे बराबर पाँच, पाँच दूनी दस उधर जाएगा माइनस तीन है बराबर पाँच उधर जाएगा तो माइनस दस होगा। ठीक है तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस पाँच अबाटा में माइनस तीन, खत्म। पाँच बाटा तीन, पाँच बाटा तीन ए ऑप्शन में ही है तो इसका भी ए सही हो जाएगा। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर फोर, ठीक है इसको एक समीकरण मान लेते हैं और एक और दिया है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, देखिए क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे इसको हम वर्ग कर देते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस साइन थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब बराबर में 16। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, सब्जेक्टिव में का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कितना होगा, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है अब बराबर में इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ है ए साइन थीटा, इसको भी हम वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर अब बराबर तीन है, तो तीन का वर्ग क्या होगा नौ होगा। ध्यान दीजिएगा तो उसी प्रकार सोचिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहां पर हो जाएगा टू इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा अब बराबर कितना हो जाएगा नौ। इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है। तो जब समीकरण ए और एक और दो को जोड़ेंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहां पर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में दोनों जोड़ देंगे। इसका समीकरण में क्या है 16 है और इसमें क्या है 9 है, जोड़ा जाएगा। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर गुना इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर इसका भी मान 1 होता है अब बराबर में 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25 आ गया, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 किस में है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही है। देखिए लास्ट 100वां क्वेश्चन है जो इसको देख कर ही जाइएगा। चलिए देखिए शब्द कह रहा है मोबाइल, देखिए एम ओ बी आई एल ई मोबाइल कह रहा है, से यादृच्छ एक अक्षर चुना जाता है, मतलब बिना देखे इसमें से एक अक्षर चुना जाता है। तो कह रहा है उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रयत्न क्या कीजिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि स्वर देखेंगे कितना है। देखिए ओ स्वर मतलब क्या होता है भावेल, तो भावेल कितना है ओ आई ई तीन भावेल है तो हम तीन लिख देंगे आरंभिक घटना। और टोटल अक्षर कितना है एक दो तीन चार पांच छह बाटा में छह कर देंगे, कटाएंगे क्या होगा एक बटा दो, तो एक बटा दो किसमें है बी में है, ठीक है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।